99 से हाजिर है आपके सामने एक नई रेसिपी लेके, और इंशाल्लाह ताला आज ज़बरदस्त किस्म की आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं। मिडिल ईस्ट की ये रेसिपी है, सऊदी अरब और जो हमारे मिडिल ईस्ट के इलाके हैं वहाँ पे ये रेसिपी बनती है। ये जो है वो बकरे के गोश्त पे भी बनाई जाती है, चिकन पे भी बनाई जाती है। तो आज आपके लिए इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त किस्म की खुशबूदार मज़ेदार किस्म की जो है वो चिकन मंदी लेके आए हैं, और चिकन मंदी बनाएंगे ज़बरदस्त किस्म के खुशबूदार चावलों के साथ बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे, आसान रेसिपी है, बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे, कम स्पाइसेस के साथ बनाएंगे, और इसके साथ जो सॉस बनता है वो भी इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे, मुकम्मल तौर पे गाइड करूँगा, गौर से देखिएगा। चलते हैं किचन की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन मंदी के लिए हमने जो है वो चिकन के दो पीस ले लिए हैं, एक हमारे पास जो है वो लेग का पीस है, एक हमारे पास जो है वो थाई का इसका सीने का पीस है। इसको बनाने के लिए हम इसके अंदर पहले लगाएंगे ज़बरदस्त किस्म के कट, गहरे कट लगाइएगा ताकि स्पाइसेस जो है वो मसाले जो है वो अंदर तक इसके चले जाएँ। इतने इसके अंदर जो है वो ये दोनों चिकन के पीसेस डाल दिए हैं। इसके साथ मैं इसके अंदर डालूंगा तकरीबन ये दो खाने के चमचे मेरे पास जो है वो धनिया है, एक खाने का चमचा मेरे पास जो है वो सौंफ है, और तकरीबन थोड़ा सा एक टी स्पून गर्म मसाला है जो मिक्स है, और तकरीबन हाफ़ टी स्पून हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास सॉल्ट है, ये मैं इसके अंदर शामिल करूंगा। एक लहसुन की जो है वो ये पूरी पोटी है, ये इसके अंदर चली जाएगी पोटी जी। दोस्तों तकरीबन 5 गिलास इसके अंदर मैंने जो है वो पानी शामिल किया है, आप भी अपने अंदाजे के मुताबिक डाल लीजिएगा कि आप। अब इसको जो है वो यखनी बनाने के लिए हमने रख दिया है, अब चलते हैं अगली तैयारी की तरफ। अब कर रहे हैं सॉस तैयार जो हमने बनाना है मंदी के लिए। 3 हरी मिर्ची मैंने छोटी वाली डाली है, 2 लहसुन के जवे इसके अंदर जाएंगे, थोड़ा सा जो है वो हरा धनिया इसके अंदर आधी कटी डाल दूंगा, 2 टमाटर मैंने लिए हैं, 2 टमाटर मैंने लिए हैं, और 2 बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं मेरे पास, ये इसके अंदर मैं शामिल करूंगा, 1 लेमन का जूस चला जाएगा इसके अंदर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट चला जाएगा इसके अंदर। गोल वाली मेरे पास लाल मिर्च है, साबुत जो होती है, आप चाहे लंबी वाली ले लें या ये वाली लाल मिर्च ले लें। थोड़ा सा हमने ये डालना सिर्फ इसलिए कि इसको थोड़ा सा हमने फीका करना है, तकरीबन 2 खाने के चमचे इसके अंदर पानी चला जाएगा ताकि ये अच्छे से जो है वो इसका सॉस तैयार हो जाए। सॉस तैयार करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। तो मंदी के लिए ज़बरदस्त किस्म का सॉस हमारा जो है वो तैयार हो गया, ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का ये सॉस है। जले के लिए चिकन के ऊपर लगाने के लिए जो हमारा बॉयल्ड चिकन होगा उस पर लगाने के लिए मैंने 2 खाने के चमचे जो है वो धनिया ले लिया है, और 1 खाने का चमचा मैंने गरम मसाला मिक्स ले लिया है जिसमें तकरीबन 10-12 लौंगे हैं, 10-12 जो है वो काली मिर्च है, 1-2 इलायची है इसके अंदर छोटी वाली, और दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं, ये हम इसके अंदर डालेंगे और इसको जो है वो हम ग्राइंड कर लेंगे। तो चिकन पे लगाने के लिए मैंने जो है मसाला तैयार कर लिया है जिसको, तो चिकन के मसाले के लिए मैंने जो है वो 2 खाने के चमचे मेरे पास ये मसाला है जिसमें गरम मसाला और धनिया है, 1/2 टीस्पून मेरे पास ये सॉल्ट है, क्या मैंने ये फूड कलर ले लिया है, इसको मैंने इसके ऊपर लगा देना है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इसके ऊपर, और अब इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल चला जाएगा ताकि इसका मैं एक अच्छा सा जो है वो पेस्ट बना लूँगा, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का चला जाएगा जी। दोस्तों देखिए चिकन पे लगाने के लिए मैंने मसाला तैयार कर लिया, बस इस फॉर्म में हमें मसाला चाहिए, जब लगाऊंगा तो इंशाल्लाह ताला आपको दिखाता हूँ। हमारी यखनी जो है वो तैयार है, ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की यखनी हमारी तैयार हो गई है, और अब इंशाल्लाह ताला इसको मैं चिकन को निकालता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों चिकन देखे मैंने निकाल लिया है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये चिकन हमारा सॉफ्ट भी हो गया है, हमारा तैयार है, अब इसको मैं छानता हूँ और अलग करता हूँ और चावलों की तैयारी करते हैं जी। दोस्तों चिकन के ऊपर मसाला लगाने की बारी आ गई है, ये हमने मसाला जो हमने तैयार किया था उसको ले लिया है, और अब इस चिकन के ऊपर हमने अच्छे से इसको लगा देना है, कोट कर देना है, जो कट हमने लगाए थे उसके अंदर भी अच्छे से हमने इस मसाले को जो है वो ये देखिए लगा देना है हमने, ये चारों तरफ से इसको अच्छे से हमने जो है वो मसाले को लगा देना है पहले जी। दोस्तों अब 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको जो है वो रख देंगे ताकि ये मसाला अंदर तक आराम से इसके जो है वो चला जाए, कलर भी इसके ऊपर पक्का हो जाए, फिर इसको मैं फ्राई करूँगा तो इंशाल्लाह ताला आपको दिखाता हूँ। अभी चलते हैं चावलों की तैयारी करते हैं। चले जी, 1/2 kg राइस मैंने लिए हुए हैं जिसको मैंने तकरीबन 20 मिनट पहले जो है वो भिगो दिया था, तकरीबन 50 ग्राम ऑयल चला जाएगा इसके अंदर, अंदर थोड़ा सा गर्म मसाला, काली मिर्चें, लौंग
और दीगर चीज़ें इसमें चली जाएंगी। इसके साथ ही मैं शामिल कर दूंगा इसके अंदर ये चॉप किया हुआ प्याज, तकरीबन ये दो दरमियाने साइज़ के प्याज है मेरे पास, इसको मैं शामिल करूंगा। और हमने सिर्फ सौते करना है, इसको हमने कोई कलर नहीं देना है जी। दोस्तों 1 टेबल स्पून इसके ऊपर जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट चला जाएगा। इसको थोड़ा सा अच्छा हम इसके साथ फ्राई कर लेंगे अपनी ऑनियन के साथ। दोस्तों 2 हरी मिर्चें इसके अंदर चली जाएंगी बड़ी वाली, 1 से 2 मिनट ज़रा इसको भी मैं भून लूँ, थोड़ी सी सख्त होती है ये। दोस्तों अब इसमें चली जाएगी हमारी तैयार की हुई यखनी। दोस्तों अब इसको थोड़ा सा ढकते हैं, इसमें खौल आ जाता है तो इसमें राइस शामिल करते हैं, तो आपको दिखा दें जी। दोस्तों देखें खौल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर आ गया है। अब मैं 1/2 किलो राइस मैंने ये लिए थे तकरीबन आधे घंटे पहले, मैंने बासमती राइस है ये डबल स्टीम कायनात के, और इसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब मैं इसको शामिल कर दूँगा अपनी यखनी के अंदर जी। मंदी के राइस असल में थोड़े से जो है वो नरम होते हैं, इसलिए हमने स्टॉक इसका ज़्यादा थोड़ा सा रखा ही है। देखें नॉर्मली दोस्तों एक लेमन इसके ऊपर जो है वो हमने लेमन का रस इसके ऊपर डाल देना है। सॉल्ट आपने जो है ना वो चख लेना है, यखनी में भी डाला था, इसमें भी मैंने थोड़ा सा डाला है। इसको चखने के बाद बस अब ये देखें अच्छा से इसमें खोल आया है, मैंने इसका कवर जो है वो लगा देना है। चलिए दोस्तों राइस की सूरत हाल देखते हैं क्या है, हमारी यखनी कितनी खुश्क हो गई। ओ माशाल्लाह, चले जी अब ये इस पोजीशन पे आ गया है कि इसको हमने लगाना है दम। इस तरह से 20 मिनट के लिए दम पे लगा दूंगा, फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है इसका। और जी दोस्तों मंदी तैयार करने के लिए अभी हमने जो है वो एक पैन अपने लिया है, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा जो है वो ऑयल शामिल करना है। चलिए जी दोस्तों अब पैन के ऊपर हमने जो है वो अपने चिकन को रख देना है, और अच्छा सा हमने इसको जो है वो फ्राई करना है। ये देखिए चारों तरफ से फ्राई करके आया जा रहा है, ये तवे पे चिकन देखिए, लाहौरी तवा चिकन कब बना रहे हैं आप बता दें व्यूअर्स को जी। दोस्तों दम लगते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए, पानी इसका खुश्क हुआ है, फूड कलर येलो वाला इसके ऊपर मैं शामिल कर रहा हूँ, और हमने हल्का सा इसको कलर देना है बस। ये देखें येलो कलर है ये, जब ये चावल मैं निकालूंगा तो इंशाल्लाह ताला देखिएगा कलर कितना ज़बरदस्त आएगा। ये चिकन हमारा तैयार है, इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए अब मैं इसको जो है वो कोयले का धुआं देता हूँ, और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको मैं कवर कर देता हूँ। माशाल्लाह दोस्तों ज़बरदस्त किस्म की खुशबू भी आ रही है, और कलर देखें आप राइस का, ये कलर देखें आप ज़बरदस्त किस्म का जो है वो इसका अल्हम्दुलिल्लाह कलर आया। ये देखिए अभी दिखाता हूँ इंशाल्लाह ताला, ये सर्व करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है, जो जेन्युइन मंदी का कलर होता है वही कलर इसका आया है। येलो कलर इस्तेमाल करना है आपने दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया मिडिल ईस्ट की जो मुत्तहिदा अरब इमारात की डिश होती है, जो वहाँ की मुकामी डिश होती है, चिकन मंदी तैयार है हमारे पास। मैंने सारी चीज़ें इसकी आपको दिखाई हैं, अब मैं इंशाल्लाह ताला सर्व करके इसको आपको दिखाता हूँ। राइस हमारे तैयार हैं, मंदी हमारी तैयार है, ये देखिए ये कलर मंदी का जो राइस हमने तैयार किए हैं, बहुत खुशबूदार राइस तैयार होंगे। बस आपने किसी तरीके से इसको जो है वो बनाना है जिस तरह हमने इसको बनाया है, तो इंशाल्लाह ताला मज़ा आ जाना है। अब हमारी आ जाएगी इसके ऊपर ये मंदी जो हमने बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह ये रखेंगे इसके ऊपर, इंतहाई सॉफ्ट टेंडर और जूसी ये जो है मंदी हमारी बन के तैयार हो गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए अंदर तक आपको इसके दिख रहा होगा जो मैंने लगाया था इसका मसाला, ये अंदर तक जो है वो मसाला ज़बरदस्त किस्म का लगा है। बस स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से आपने बनाना है। ये सॉस मैंने आपको बताया था, इस सॉस के साथ इसको आपने सर्व करना है, ज़बरदस्त किस्म का ये सॉस होता है, बिल्कुल जेन्युइन रेसिपी है। अगर और मेरी कोशिश होती है, खानजी टीम खानजी फूड्स 99 की पूरी टीम की कोशिश होती है कि आपके लिए वही रेसिपीज़ हम लेके आएँ जो रेसिपीज़ अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन होती हैं। और इस डिश को आपने अपने घर में तैयार करना है, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है। अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह ताला आपसे एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अपना अपनी फैमिली का गिर्द नवा में रहने वाले ज़रूरतमंद दोस्तों का ज़रूर ख्याल रखिए, यह हमारा फ़र्ज़ बनता है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।